कि किसी तरीके से जो है मैच को विन किया जाए और जो है माने इतने 15 दे रहा है, 15 दे कड़ी है, कैमरा खराब थी ना, साफ कर इस टूर्नामेंट का। ठीक है भैया, मैं हमारे काफी दोस्त जो काफी देर से जो मैच देख रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भली करिया पखेरा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त सोहेल आशा जो थे 1.5 महीने से गुम हो चुके थे, आज बहुत मुश्किल से मिले, वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे सऊदी अरब में, और उनके साथ बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे मुनीर भाई जो उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली हमारे साथ सचिन पे। हमें वो मैच याद है जब बच्चन कैप्टन था और सुपर खान की टीम थी, आखिरी ओवर में 32 रन चाहिए थे और बच्चन रो रहा था। अभी बच्चन बैठा हुआ मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में, जब कदीर दुरानी खड़ा था दूसरे एंड पर और आतिफ जापानी खड़ा था और उसने एक नई बॉल मंगवाई, टेप चढ़ाई, उसके बाद सिकंदर जमाली को 32 रन मारे। और मुझे याद है कि पहली बॉल में वो रन आउट हो चुका था सौरा लेडी और जो है काजू वाला जो है हमारा रन आउट खा चुके थे। बगाल को मैंने मना भी किया कि रन आउट है, मगर बगाल ने कहा कि नहीं अब रन नहीं बनेगा। मैंने कहा ये क्रिकेट है, तकबर नहीं करना चाहिए। और जो है वहाँ पर भजन कैडी को टीम होना आज तक मुझे याद है और कौन कौन हमारे साथ है उन्हें मुझे याद है पूरी टीम। दौड़ शाइन है दुबई की, मेमोरी बहुत अच्छी है और हम आपको बताते चलेंगे दुबई स्पोर्ट के दो बड़े ओपनर विकेट पे आ चुके हैं, अवैस और वक्कार, दोनों बेहतरीन बैट्समैन अवैस और वक्कार। और दुबई स्पोर्ट के जहाना ओपनर बल्लेबाज, और फिर वहाँ पर जब ये टूर्नामेंट जीता उसके बाद एक वाला बच्चन को हयाती दे, सबको हयाती दे, इनकी सांसें चल पड़ी और अभी तक सारा दम लगे पड़े, वरना वो उनकी सांसें वहाँ रुक चुकी थी, बड़ा हौसला हो सकता था। ये क्रिकेट है जुनून था साईं। बॉलिंग स्टार्ट पे अली और बैटिंग स्टार्ट वकार ने संभाल रखा है और उनके साथ नॉन स्ट्राइक पे अवैध, और हम रेहान भाई को कमेंट्री बॉक्स में बुलाएंगे। रेहान भाई प्लीज आ जाए। और अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं रेहान जैदी, हमारे दोस्त रेहान जैदी, और बहुत बड़ा मैच दुबई स्पोर्ट और दौड़ शाइन के दरमियान। दुबई स्पोर्ट के दो ओपनर बल्लेबाज वकार और उनके साथ अवैध, बॉलिंग पे है अली, पहला बॉल बहुत ही अच्छा शॉट और यह कट कर दिया है और पॉइंट की जाना, 4 रन अंपायर यूसुफ का इशारा, 4 रन और बहुत ही अच्छा स्टार्ट दुबई स्पोर्ट का। और उठा के खेल दिया, देखना पड़ेगा फील्डर वहां पे मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरत कैच वकार की निशाना की है यहां अली ने, बेहतरीन बॉल बेहतरीन स्टार्ट आज पर 9 मैचा पेरे बाल दे चौको लोगो बे बाल शाही। सलमान भाई अपना नंबर दें, आपसे जरूरी बात है भाईजान, नंबर है 03113736853। भाई आज पहला मैच कौन जीता भाई, अजीज वाले जीत गए, मोहम्मद वकास आ रहे हैं, सलाम अदा कैसे हो फ्रॉम इंडिया भाईजान, ठीक ठाक आप सुनाए कैसे को। यहाँ पर वकार आउट हो चुके हैं दुबई स्पोर्ट्स के बैट्समैन, और अभी हम जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं रियान जैदी हमारे दोस्त, मोहम्मद वकास आ रहे हैं, अजीज वाले जीत गए पहला, और नए आने वाले बैट्समैन इतना जिनका ताल्लुक शुगर मिल से है, अभी आए हैं न्यू बैट्समैन इमरान, इतना ऑलराउंडर बैट्समैन, और आज करते हो चार देखना पड़ेगा, और साजिद पापा है आई थिंक मेरे ख्याल से जी, साजिद भाई है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग साजिद भाई की, यकीन है 4 रन जरूर, जुनून का मैच नहीं हुआ क्या भाईजान, मेरे ख्याल में इसके बाद होगा उसका मैच, अली की बेहतरीन बॉलिंग सामना करेंगे इतना, अब
सामना करेंगे अदनान। भाईजान शायद यूसुफ पठान दूसरी टीम में, कीपर कौन है भाईजान? कीपर का नाम नहीं पता। वेलकम, कीपर कौन है? इमरान लिब्रोई, आप वेट करें मैं बताता हूँ, पूछकर नाम नहीं पता मुझे। अच्छी डिलीवरी, पैर का इशारा, वाइड बॉल। दो गेस्ट प्लेयर हैं दौड़ शाइन में, दोनों बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। और यहाँ एक बार फिर व्हाइट बॉल का इशारा, वेलकम भाईजान। हमारे अंपायरिंग के फरज अंजाम दे रहे हैं जुमा खान और यूसुफ पठान। अली सुमरो को ये जुल्फकार सुमरो, भाईजान खबर कहां का यार, मत आती से गो। बेहतरीन बॉल, बेहतरीन बॉलिंग अली की जानिब से। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में सरदार से लाखो जफर है, क्रो साजिद पप्पा है, बेज खबर कौन यार अलग केड़ो बेस्ट मुनीर अलमानी और उनके दोस्त। और यहां साजिद पापा है फील्डर। और एक रन मुकम्मल, और इसी के साथ आवर मुकम्मल। काजिम समू बकेश तलवार, भाईजान बकेश तलवार 14 पहले ओवर में 14 रन दबे स्पोर्ट्स के, एक ओवर के बाद 14 स्कोर्स, एक विकेट इनकी आउट है। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है इस टाइम सरदार से लाखो, नूर मोहम्मद बच्चरिन, मुनीर अलमानी साहब। और हम तमाम दोस्तों को वेलकम कहते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर ग्राउंड आए। नए आने वाले बॉलर अर्चलान की ओर पहली गेंद पर, और ये यहाँ पर आउट कर दिया है, अदनान को आउट कर दिया है पहले बॉल पर। और यहाँ भाई इदनान के नीचे खात्मा किया, बेहतरीन बॉलिंग और बेहतरीन स्टार्ट अब तक दौड़ शाइन का। जुल्फकार सुमरो पता करना भाई सुमरो है भाईजान, हाँ मैं पूछता हूँ तमाम शाइन के लिए भाईजान ताय नालो जाए था, ताय नालो जाए, अस्सलाम वालेकुम खैर मोहन भाईजान, कीपर खैर मोहन दे। एक और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट आरसीएल एडिशन 2 जो कि एक बहुत ही बड़ा कामयाब इवेंट जो कि म्युनिसिपल ग्राउंड पर खेला गया था रमजान में, बहुत ही कामयाब टूर्नामेंट हुआ था। इमरान अली ब्रो कीपर खैर उजर तारी को सलाम अदा, वालेकुम सलाम थोरो टीम ने ताया सलाम बिल्कुल यहां से थोरो मुंगा पढ़ते बिटवा। और उसके बाद एक और बड़ा इवेंट म्युनिसिपल ग्राउंड पर इस बार जारी है सारी, उससे सलाम दो इमरान अली ब्रो हाजिर बाद सलाम यहां सुता किया है। एक बार फिर शायक ने क्रिकेट नवाबशाह के लिए और मामा सरवर को हम वेलकम करते हैं। भाई कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? अदा इमरान अली ब्रो सलाम दो दे, इसका पहला दिन इमरान अली ब्रो सलाम दो दे, तीसरा मैच अदा ताया सलाम दे जनमा से, तो वालेकुम सलाम। दुबई स्पोर्ट्स के दरमियान जारी है सारी है, दुबई स्पोर्ट्स जो कि पहले बैटिंग करते हुए जिसके दो बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की जानी वापस, और तमाम शायक ने क्रिकेट नवाबशाह को ग्राउंड आने पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं सरदार सुहेल लखो, नजीर अलमानी साहब, नूर मोहम्मद भाई और उनके साथ बच्चल सिंह साहब, मुनीर अलमानी, लाला लतीफ पठान, नबी दस्तार, जुबैर बलोच, हम तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और अब नए आने वाले बैट्समैन हैं विक्की मेहमान, और बड़े चालाना अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन एक ही रन तक महदूद रखा। नेमतुल्लाह भाई ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान, आप सुनाओ कैसे हो? और अपनी रनिंग करवा रहे हैं
विक्की मेहमान बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही कॉमेडी भाई, मुझे भी खिलाओ प्लीज भाई। यहाँ पर इनकी नवाबशाह की टीम है, आपको कैसे खिलाएंगे? फक्कार खलोड़ो, अच्छी डिलीवरी लेकिन एम्पायर का बॉल। जी हाँ बिल्कुल, वक्कार आउट हो चुके हैं, नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है। इसी के साथ ही एक और वाइट का सिग्नल आता हुआ। भाईजान दौड़ और दुबई स्पोर्ट्स का मैच है। बॉलर एक बार फिर, अच्छी डिलीवरी, बेहतरीन बॉल, ऑफ लाइन गेंद किया था, समय न सके वेस्ट। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। अरसलान है बॉलर, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए अपनी टीम की जानिब से। शहजाद आ रहे हैं भाई, क्या लिखा है? अरसलान है बॉलर, एक बार फिर सामना करेंगे वे। लैग कस्टम से बाहर जाता हुआ गेंद, यकीनन एंपायर का इशारा था, वाइड बॉल। इसी के साथ ही दुबई स्पोर्ट्स के स्कोर में एक रन का मजीद इजाफा। जुल्फकार सुमरो बिल्कुल अदा नवाबशाह में आए होते थे, कमेंट यार लगा लायो। भाई विक्की को सलाम अदा, विक्की लाइक केड़ो आप सलाम दी उस्ताद आया। स्लो डिलीवरी की थी, बहुत ही अच्छा बॉल और बैट्समैन को समझ नहीं आ सकता वेस, काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए अरसलान। अब एक बार फिर सामना करेंगे अभी डेंजर मैन, अपने स्ट्राइक एंड पर मौजूद। वाइड बॉल, इंपायर का इशारा, एक और वाइड सिग्नल आता हुआ। काफी अच्छी लाइन ऑन लाइन से गेंदे कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा गेंद लेग स्टंप से बाहर गया, जिसका नुकसान उठाना पड़ा एक बार फिर। और बहुत ही अच्छा बॉल, इनसाइड एज हुआ था और ये कीपर से कैच ड्रॉप हो गया। भाईजान नंबर मुझे नहीं पता भाईजान, एक बड़ा चांस मिला अवेश को। एक बार फिर अवेश, एक मरतबा फिर स्लो डिलीवरी, अच्छा बॉल, एक रन का इजाफा, यकीनन एक रन मिलेगा। काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अब तक। इसी के साथ ही ओवर का खत्म हुआ। दुबई स्पोर्ट्स का बढ़ता हुआ स्कोर अब जानेंगे अपने ऑफिशियल स्कोरर रहमतुल्लाह से। बढ़ता हुआ स्कोर 19, भाईजान दो ओवर के बाद 19 स्कोर है। दुबई स्पोर्ट्स और दौड़ का मैच है। अरसलान दुबई स्पोर्ट्स बैटिंग कर रही है, उनका स्कोर है 19 दो ओवर के बाद। और दो बैट से रन बनाए, पांच रन दिए, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया यहां पर अरसलान ने। अरे एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं, टीम का तीसरा और अपना दूसरा ओवर करने के लिए अली। और यहाँ बेहतरीन बॉल, बेहतरीन बॉलिंग अली की जानिब से, और यहाँ तारीफ करते चलेंगे अरसलान की बेहतरीन बॉलिंग की, पांच रन दिए उन्होंने। और यहाँ उठा के खेल दिया है, मगर फील्डर वहां पे मौजूद है, एक रन मुकम्मल। फारूक है फील्डर, विक्की मेमन सामना करेंगे अली का। भाईजान ये पेज है सिंधतेबाल का, और यहाँ बेहतरीन बॉलिंग, और विक्की मेमन इंजर्ड भी है, तो इसी वजह से हमें काफी दुश्वारी हो रही है गेम लाइव में। जी जी हाँ, इस पे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये काफी बड़ा बैड लक है दुबई स्पोर्ट्स का कि विक्की मेमन इंजर्ड है। और बेहतरीन बॉल अली की, अली जानते हैं कि उन्हें पांव पे लगी हुई है, तो इसीलिए उन्हें वही गेंदें खिला रहे हैं अली। बेहतरीन बॉलिंग अली की, कमाल की बॉलिंग अली की जानिब से, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा, तीन बॉल, तीनों बॉल डॉट। काफी मुश्किलात का सामना दुबई स्पोर्ट्स को, और दौड़शाह की टीम बेहतरीन स्टार्ट, बेहतरीन बॉलिंग। आउट, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग,
और इसी के साथ ओवर मुकम्मल हो गया है अली का। एक रन दिया है, ओवर मुकम्मल हो गया यूसुफ भाई। और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, और अब क्राउड से कहेंगे कि अली के लिए ताले हो जाए। एक रन दिया अली ने, बेहतरीन बॉलिंग अली की। एक रन का ओवर किया है और एक विकेट भी लिए। तीन ओवर के बाद स्कोर है 20 दुबई स्पोर्ट्स का। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, अली की बहुत ही उमदा बॉलिंग जो कि यहां पर बड़े बैट्समैन को अच्छी शॉट बॉल कराने में कामयाब रहे, और सिर्फ एक ही रन देके गए अपने ओवर में। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा दौड़ शाहीन के बॉलर अली की जानिब से। और अब नए आने वाले बॉलर हैं फारूक जमाली। और अब नए आने वाले बैट्समैन जो कि गदा हुसैन जरदारी, टेंशन मैन दुबई स्पोर्ट्स की जान। गदा हुसैन जरदारी आए हैं बैटिंग करने के लिए, और तीन ओवर के बाद दुबई स्पोर्ट्स का स्कोर है 20। और उनके गदा हुसैन जरदारी के लिए बहुत बड़ा ऐलान, तीन छक्के लगातार लगाएंगे तो 300 रुपए के हकदार होंगे। ये ऐलान किया है सईद पठान ने उनके लिए। फारूक को आपसे अच्छा बॉल नवीद अहमद शहर, नाइस बात, थैंक यू बात, थैंक यू मेहरबानी, महदूद रखा। और हम जीए साथ को ग्राउंड आने पर दिल की गहराई से खुश आमदीद कहते हैं गुलाम शब्बीर रिन साहब, वेलकम। और उनके साथ नासिर काजमी साहब, यूसुफ पठान, सलाम भाई, वालेकुम सलाम भाई। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा फारूक जमाल ये बॉलर अद्दी शेख भाई जान ने म्यूनिसिपल ग्राउंड नौशा में है। अब तक कोई बड़े हिट नहीं देखने को मिले दुबई से, बहुत ही बड़े नाम दुबई स्पोर्ट्स में मौजूद फारूक। और एक बहुत ही अच्छा बॉल पीठ हुए कदा हुसैन जरदारी, समझ ना सके बॉल को, काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए फारूक जमाली। फारूक जमाली हैं बॉलर, बेहतरीन बॉलिंग करवा रहे हैं, बहुत बड़ी और बैट्समैन है गदा हुसैन जरदारी करते हुए। फारूक एक बार फिर सामना करेंगे गदा हुसैन जरदारी। यूसुफ पठान भाईजान मैं नौमान हूँ, सलमान का दोस्त, सलमान थोड़ा गया हुआ है, आ रहा है का थोड़ी देर में। सारा यकीनन फाइट सिग्नल आता हुआ कोरस का स्कोर में मजीद इजाफा। रफीक बलोच अजीज आरंज मैच थी भाव खट्टे भी आवर हिना का पो एकड़ी बी मैच आने का पो अजीज आरंज मैच थी इंशाल्लाह। साजिद पप्पा इस वक्त इन एक्शन, फारूक की बात है, अच्छी शॉट, अच्छा बेहतरीन शॉट, उठाकर खेलने में कामयाब रहे। लेकिन नाकाम रहे, बहुत ही बढ़िया कमबैक किया था यहाँ पर, थोड़ा सा अच्छा बॉल किया था जिसको अभी समझ ना सके फारूक, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए अब तक। एक और बढ़िया बॉल, शॉट पिच डिलीवरी और बॉलर नीचे, और यहाँ पर कैच ड्रॉप, थोड़ी सी दूरी, एक गिनती के साथ एक बड़ा चांस मिला अवेश को। अवेश को चांस मिला है यहाँ पर, इसी के साथ ही चार ओवर का खेल मुकम्मल हो चुके हैं। और स्कोर का बढ़ता स्कोर 32 32 स्कोर है चार ओवर के बाद दुबई स्पोर्ट्स का, बाकी दो ओवर रहते हैं तो ओवर का खेल मजीद बाकी, देखते हैं कि कितना बड़ा टोटल करने में दुबई स्पोर्ट्स कामयाब होती है, क्योंकि बहुत ही बड़ी टीम से उनका मुकाबला है दौड़ शाहीन, जिसमें बहुत ही बड़े नाम इस वक्त इन एक्शन। अरसलान एक बार फिर टीम का पांचवा और अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाने के लिए आए, और सामना करेंगे गदा।
सैयद अली शाहजेदी विकी आउट और यहां देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा वाइड बॉल फैजान है बॉलर और काफी मुश्किलात में नजर आती हुई हमें दुबई स्कोर की थी जिस अंदाज से वो खेलती हैं आज उन्हें काफी बैकफुट पे धकेल दिया है दौड़ शाइन ने फैजान और बेहतरीन बॉल थोड़ा सा अंडर एज हुआ देखना पड़ेगा फील्डर वहां पे मौजूद है एक रन मुकम्मल दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी और दो रन मुकम्मल और यहां ओवर थ्रो के एक रन और आता हुआ तीन रन आ चुके हैं इस गेंद पर रशीद अहमद बलोच भाईजान पेरू मैच अजीज द्वारा खटे दादा बाइक है ठीक है जी लेग बाइक रन जाइए बेहतरीन बॉलिंग दौड़ शाइन की और यहां खेल दिया है लेके जाने फील्डर वहां पे मौजूद है एक रन मुकम्मल दूसरे के लिए मना किया वैसे या फिर यहां पर मिस हुई है और एक ओवर थ्रो की एक रन और आता हुआ दो रन बन चुके हैं रशीद अहमद बलोच भाईजान पहला मैच अजीज वाले जीत गए वो जो है ना बाबू जैन जीत गई मैच नासिर काजमी और उनके नवीद अहमद शहर भाईजान नोमान मीर मुझे नालो आदा और हमारे साथ कमेंट भाई बाबू वाला मैच किसने जीता भाईजान बाबू वाला मैच बाबू वालों की टीम ने जीता जिसमें अजीज वाले थे और उनके दीगर दोस्त भाईजान ईपीएल दौड़ और दुबई स्पोर्ट्स बेहतरीन डिलीवरी क्या बोल कर दिया यहाँ पर सिलोवन बोल किया था अरसलान ने और बिल्कुल ही समझ ना पाया गया और क्लिप बोल्ड हो गया बेहतरीन बॉलिंग दौड़ शाइन की और काफी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है दौड़ शाइन और दुबई स्पोर्ट्स का मैच नए आने वाले बैट्समैन विलेंद की तरफ से नमूदार होते हुए भाईजान 90 का टारगेट था अजीज वालों ने दिया था बाबू लेवल ने दिया था 90 का टारगेट ये जो है ना नहीं बना पाए इसका भी ताल्लुक शुगर मिल से बाबू लेवल मेरी टीम में जाने यूसुफ पठान कह रहे हैं कि बाबू लेवल यूसुफ पठान ये और इसमें दो गेस्ट अलाउ थे अजीज और मुख्तियार ये पहला मैच जीत चुके हैं इसके बाद एक और मैच होगा और उसके बाद जो है ना अजीज वालों का मैच होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा हमें अच्छी शॉट पहले ही बैन पर देखना पड़ेगा बहुत खूबसूरत छक्का बेहतरीन शॉट कवर की जानिब से मगर छक्के बहुत बड़े लगाते हैं और बेहतरीन शॉट अच्छा अच्छा भाई आप वापस नवीद अहमद शहर भाई जान और बाबू इस्लामाबाद में ना पटरी दिया ना हैदराबाद क्वार्टर फाइनल की पर्ची निकलेगी झंडा आया सलमान राजी दारा भाईजान अजीज और मुख्तियार कितना स्कोर बना भाईजान अजीज तकरीबन 40 प्लस था स्कोर मुख्तियार अब 30 प्लस था स्कोर बोनी और बाबू प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं क्योंकि क्वार्टर फाइनल की पर्ची निकलेगी अच्छी शॉट देखना पड़ेगा फील्डर मौजूद है वहां पर एक रन का इजाफा बना दिया सैयद अली शाहजेदी भाईजान दो तीन आउट हुए नाम मुझे नहीं पता यार इनके और यहां ओवर मुकम्मल अरसलान का पांच ओवर मुकम्मल हो चुके हैं स्कोर मैं आपको बताता हूं रहमत 45 रन हो चुके हैं 45 स्कोर है पांच ओवर के बाद दुबई स्पोर्ट्स का आखिरी ओवर करने के लिए आए फारूक कप्तान कोटे का दूसरा और लास्ट ओवर करेंगे मेहरबानी भाईजान थैंक यू भाईजान थैंक यू और सामना करेंगे ताबिश ताबिश है बैट्समैन जिसने पॉइंट की जानिब से बहुत ही खूबसूरत छक्का मारा था अच्छी शॉट देखना पड़ेगा स्क्वायर की जानिब खेला वहां पर फील्डर है मौजूद है आलम सुमरो साजिद पप्पा का कब है भाईजान साजिद पप्पा का मैच चल रहा है वो फील्डिंग कर रहे हैं बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं नवाबशाह के उभरते हुए जिनका ताल्लुक हबीब शुगर मिल नवाबशाह से है उनका साथ दे रहे हैं गदा हुसैन सरदारी सामना करेंगे फारूक जमाली का सामना करेंगे अच्छी शॉट और ये यहाँ पर खूबसूरत 6 रन के लिए गेंद दनदनाती बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हुए 4 रन के लिए 4 रन के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट गदा हुसैन सरदारी गदा हुसैन सरदारी बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए और उनका साथ दे रहे हैं
ताबिश और गदा हुसैन जरदारी खड़े हुए। फारूक जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए, फारूक दूसरा ओवर कर रहे हैं और इनिंग्स का लास्ट ओवर। एक बार फिर हॉकी खेलना चाहते थे लेकिन खबरनाक और ये आउट हो गए। विकेट साथ ही एक आसान सा कैच लेने में कामयाब रहे। गदा हुसैन जरदारी आउट हो चुके हैं। अब फेस करेंगे और आउट होकर पवेलियन जाने वापस। बोरी जानबाज के कप्तान और बाबू 11 के कप्तान से गुजारिश है। वकार आलम सुमरो, थैंक्स ब्रो फॉर गिविंग रिस्पांस, वेलकम ब्रदर, वेलकम। बाबू से गुजारिश के कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाएं। और नया आने वाले बैट्समैन है, यकीनन एहतिशाम लग रहे हैं हमें दूसरे भाईजान। गद्दा आउट हो चुके हैं। हमजा अहमद वो जा रहे हैं, अभी काफी दूर है हमसे यार। तो भाई स्पोर्ट्स की जान, बाबू से गुजारिश के जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में। यूसुफ भाई आप क्यों नहीं आए मैच पर? भाईजान यूसुफ भाई मेरे ख्याल में थे, वो उनका पहला मैच था, वो जीत गए, वो मैं पीछे खड़े हैं, पीछे बैठे हुए शायद। एहतिशाम और उनका साथ दे रहे हैं ताबिश। फेस करेंगे फारूक को, इस पर मौजूद हैं। देखते हैं बैट्समैन अपने टीम के लिए क्या करते हैं। लास्ट थ्री आर एक बार फिर सामना करेंगे फारूक जमाली का। ताबिश ओ शॉर्ट पिच डिलीवरी बेहतरीन। इम्तियाज अली मुगेरी लाड़काना का मैच नहीं है भाईजान, यहाँ पर नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और नवाबशाह की टीम है, उसमें दो गेस्ट चल रहे हैं। इसके बाद अजीज वालों का है ना ब्रदर भाईजान, इसके बाद शायद एक और मैच है, उसके बाद अजीज वालों का मैच। बाबू से गुजारिश है कि अगर आप, जी हाँ बाबू आते हुए स्टेज की जाने जल्द से जल्द बाबू तशरीफ ले आए यहाँ पर। खुर्रम हाशमी आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। फारूक एक बार फिर सामना करेंगे ताबिश, और बहुत ही बढ़िया बॉल यहाँ पर ताबिश तेजी के साथ कंप्लीट किया, दूसरी रन के लिए भी गोल दिए और देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही बड़ा चांस, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और यहाँ पर मिस फील्डिंग के बहुत ही बढ़िया चार रन का इजाफा दोनों बैट्समैनों के दरमियान। तालियां मिस फील्डिंग की वजह से चार रन, तीन रन का इजाफा, टोटल चार रन। और रियान अब कुरंदर की जा रही, जो तीन नाम है इनमें से एक नाम जो है वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में होगा और दो टीमें जो वो आपस में खेल के क्वार्टर फाइनल वो सेमी खेलेंगे, तो देखते हैं वो कौन सा खुशनसीब है जो बिना खेले जो के क्वार्टर। अगेन ब्यूटीफुल शॉट कवर की जानिब से, बहुत ही बड़ा लंबा छक्का, ये ताबिश जिसने अपनी टीम के लिए दो छक्के मारे, बहुत ही लास्ट में अच्छे छक्का चटकाया। और इसके साथ गुलाम चबी रिंद यहाँ पर मौजूद है, दिल की गहरों से वेलकम, खुशामदी उनको कहेंगे, उनके साथ उनके दीगर मेहमान और उनके अलावा उस्मान आरई, कुछ गप्पे उनके साथ आबिद बिरोई जो कि कोच है जी एस, उसके अलावा इंजीनियर मुश्ताक मरी भी मौजूद है, वेलकम। पावर बैंक